अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी इन कनाडा के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो कंफ्यूज हैं कि आइदर दे शुड चूज एसटीएस पाथवे और नॉन एसटीएस पाथवे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी इन कनाडा के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो कंफ्यूज हैं कि आइदर दे शुड चूज़ एसटीएस पाथवे और नॉन एसटीएस पाथवे। आज हम इनकी एलिजिबिलिटी और इनके डिफरेंसेस और इन दोनों में से कौन सा पाथवे जो है वो बेस्ट है उनके लिए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है फिज़ा एजाज और मैं एनएक्स कंसल्टेंट्स में एज अ करियर काउंसलर काम कर रही हूँ। सबसे पहले हम जो है वो एसटीएस और नॉन एसटीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा इन कनाडा के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनको दो पाथवे में से कोई एक पाथवे के थ्रू जो है वो अप्लाई करना होता है। आइदर दे शुड चूज़ एसटीएस पाथवे और नॉन एसटीएस पाथवे। सबसे पहले हम उनके एलिजिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एसटीएस के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं उनको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होता है, जिसमें सबसे पहले आइल्स आता है। आइल्स में उनको 6.5 नॉट लेस देन 6.0 ओवरऑल बैंड रिक्वायर होता है। इसके अलावा उनको जो है वो फुल टाइम प्रोग्राम में एडमिशन रिक्वायर होता है। दे कांट चूज पार्ट टाइम प्रोग्राम्स और डिप्लोमा कोर्सेज, इनमें उनकी प्रोफाइल जो है वो वीक भी हो जाती है और वो एलिजिबिलिटी पूरी भी नहीं कर रहे होते एसटीएस की। तो स्टूडेंट जब भी सोच रहे हो एडमिशन के लिए तो उनको फुल टाइम प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम और बैचलर्स प्रोग्राम 2 साल या 4 साल चूज़ करना होता है। उसके अलावा थर्ड जो उनको एलिजिबिलिटी पूरी करनी होती है वो होती है उनकी फुल ईयर डिपॉजिट। फर्स्ट ईयर की जितनी फीस इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको जो है वो जितनी भी इंस्टीट्यूट उनको चार्ज कर रहा है उनको वो फुल ईयर डिपॉजिट यहाँ से पाकिस्तान से पे करके जाना आता है। अगर हम और इसके ऊपर मज़ीद बात करें तो अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट्स के ऊपर उनको जो है वो ऑफ़र दे रही हैं, उनको एडमिशन ऑफ़र कर रही हैं, बट इट्स फॉर एम्बेसी। एम्बेसी रिक्वायर करती है कि आप अपने जितने भी एक साल का डिपॉजिट है, जितनी भी एक साल की ट्यूशन फ़ी है वो पे करके फिर जो है वो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। फोर्थ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो इनका GIC अकाउंट होता है। सबसे पहले स्टूडेंट को जब ये तीन प्रीवियस एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं तो एम्बेसी में जाने से पहले उनको एक कनाडा में ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, जिसको हम GIC बोलते हैं, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, और उसमें उनको 10,000 कैनेडियन डॉलर्स जो हैं वो ब्लॉक करवाने होते हैं। ये भी उनके जो है वो एक मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है और इसको पूरा करना लाजमी है। अब हम नॉन एसटीएस की तरफ देखें तो बेसिकली जितने भी एसटीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोई एक भी एलिजिबिलिटी इनकी नहीं पूरे करते या फिर एक भी रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं करते, ऑटोमेटिकली हमारी प्रोफाइल जो है वो नॉन एसटीएस पाथवे में फॉल कर जाती है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि इसमें कोई स्पेशल फीसेस चार्ज होती हैं या फिर इनके एप्लीकेशन फीसेस कोई डिफरेंट हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें सिंपली ये होता है कि जब आप एसटीएस पाथवे के कोई भी एक एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे होते आपकी फाइल नॉन एसटीएस पाथवे में फॉल कर जाती है। अब इनमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ से भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी की हम रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ना भी पूरी करें तो कोई मसला नहीं, तो वो भी नॉन एसटीएस पाथवे ही होगा। जब भी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं वीज़ा के लिए तो इन दोनों में से वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनमें से बेहतर कौन सा ऑप्शन है, एसटीएस पाथवे और नॉन एसटीएस पाथवे। अब अगर हम इन दोनों के एलिजिबिलिटी के ऊपर देखें, हमने एसटीएस में पूरे साल का डिपॉजिट दे दिया है, GIC बनवा दिया है, हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और अगर हम नॉन एसटीएस में करें तो हम कहीं पर भी उनको ये नहीं जस्टिफाई कर रहे होते कि हम जो है वो जितने भी एक्सपेंसेस हमारे आएंगे वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली हमारी वहाँ पे प्रोफाइल वीक हो जाती है। तो इस वजह से हम हमेशा स्टूडेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप एसटीएस पाथवे के थ्रू आएँ और उसी के थ्रू जो है वो अप्लाई करवाएँ। ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा इन कनाडा डू कॉन्टैक्ट अस। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं, आप उन पर जो है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।